हेलो दोस्त दोस्त अभी हम कॉलेज जा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्त। चलिए आपको भी दिखाते हैं कॉलेज का क्लास। अभी हम क्लास जा रहे हैं दोस्त। पागल हुए अगर एग्जाम के बाद हुआ तो कन्फर्म जाएगा मार डालोगे। ये सारी लड़ाइयां भी थी। ज्यादातर देश और जो सिटीज हुआ करता था वो सब तबाह हो चुका था आपस की लड़ाइयों में। इसलिए इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट या एक अच्छा इकोनॉमिक यूनिट एक्चुअली अब आकर के टिक गया था एक विलेज इकोनॉमिक के ऊपर। ज्यादातर जो देश था वो विलेजर्स में ही आकर के कन्फाइंड हो गया था। आज भी अगर तुम देखोगे यूरोप में, इंग्लैंड में अगर जाओ तो इंग्लैंड में इंडिया जैसे वहां नहीं है कि इंडिया में क्या पोजिशन है। मैक्सिमम लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इंग्लैंड में अगर जाकर के देखोगे तो शहर में बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग वहां इसलिए देखोगे वहां एक शब्द प्रचलित है कंट्री साइड। इंग्लैंड में एक शब्द बहुत प्रचलित है कंट्री साइड। तो वहां मेन सिटी में कोई नहीं रहता, सब कोई गांव में रहते हैं। और इसलिए डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन वहां बहुत है कि इजीली लोग जो है इमीडिएटली लंदन में आए नौकरी किए या साउथहैम्पटन में आए नौकरी किए या यॉर्कशायर में आए नौकरी किए और उसके बाद वो वापस चले गए अपने गाँव में। तो वो कंट्री साइड का कल्चर बहुत ज्यादा है। आज तक वो कल्चर ही वहां पर रह गया है कि लोग रहेंगे कंट्री साइड में, काम वहां भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो वो शहर तक आएंगे, काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। इंडिया जैसा नहीं है शहर में रह गए तो वहीं बस गए वहीं रह गए, ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं है। तो विलेज वहां एक सेल्फ इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट होता था। अगला प्रॉपर्टी को नोबडी अलाउड टू अर्न प्रॉफिट इंटरेस्ट। नोबडी अलाउड टू अर्न इंटरेस्ट सीरीज़ मतलब क्या हो गया इसका कि ब्याज अलाउड नहीं है ना, ब्याज कमाने का अधिकार नहीं। एक बहुत अच्छी बात थी लेकिन इस समय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी
प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी लोगों को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था। हिंदी में भी लिख लो तो संपत्ति, व्यापार एवं संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार, दोनों का, व्यापार एवं संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे जो खरी इकोनॉमिक से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इस वजह से लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर लिखना जरूरी है। ये एज था एज ऑफ मॉरल टीचिंग, बहुत अच्छी बात है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से शायद इतना अच्छा नहीं है। एज ऑफ मॉरल टीचिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में लिखा तो आध्यात्मिक रीति रिवाजों का दौर, आध्यात्मिक रीति रिवाजों का दौर, क्योंकि बहुत अच्छा है। अदरवाइज जैसे हम लोग कह रहे थे कि रोमन मतलब क्रिश्चियन प्रिंसिपल से कोई भी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी जब रहता है समाज में शुरुआती दिनों में खास करके, वो काफी अच्छा होता है। इंडिया में भी हम लोग देखते हैं वैदिक जो रिचुअल्स को जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं या ट्रेडिशन को जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह मुस्लिम भी जो हम लोग उसका जो फिलोसफी को फॉलो करते हैं, अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं या क्रिश्चियन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, सब जगह यही बात है, रिनाउंसिएशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरालिटी, ये सब बातें लोग करते हैं ना कि हमारी इच्छाएं कम होनी चाहिए, बहुत हम लालची ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट था कि हम खुद ही बहुत डिसिप्लिन हो, हमको कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को इमोरल टीचिंग का दौर था, यूरोप में भी नहीं था, इनिशियल क्रिश्चियनिटी जो था कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी था शुरुआती दिनों में वो भी यही प्रीच करता था, और ये इसलिए फेज मॉरल टीचिंग का फेज था, सेल्फ डिसिप्लिन का फेज था, इसलिए लोग ये भी सिखा रहा था, ये धर्म इकोनॉमिक्स में सिखा रहा था कि हमारी इच्छाएं कम होनी चाहिए, हमको बहुत ज्यादा मांग करना ही नहीं चाहिए, इसलिए विलेज इकोनॉमी तक हम लोग सीमित रह सकते थे, है ना, विलेज इकोनॉमी तक इसीलिए सीमित रह सकते, लेकिन इच्छाएं ही कम थी हमारी, तो ट्रेडिशनल थॉट के साथ हम चल रहे थे। ये इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि आज के जमाने में तुम जानते हो इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन हम लोग कंप्लीटली काट देते हैं और कहते हैं कि इकोनॉमिक्स शुरू ही होता है साइंस ऑफ नेसेसिटी से, कि अगर हमारी इच्छाएं नहीं होंगी हम साधु बन जाएंगे तो इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स शुरू ही होता है कि आर वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं अनंत है और इसीलिए उनको पूरा करने के लिए वो डिमांड सप्लाई रिसोर्स क्रंच रिसोर्स स्केयरसिटी, फिर हम लोग कैसे उसको साइंटिफिकली रीअरेंज करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तब इकोनॉमिक्स आता है। और आधुनिक जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो उसी इच्छा से ही तो आता है कि यार वांट्स है, वांट को फुलफिल करने के लिए, तो अगर मुझे गर्म लग रहा है तो मुझे फैन चाहिए, अगर उस इच्छा को यह मार दे तो फिर ये सब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, ना साइंस का डेवलपमेंट होगा ना इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होगा। तो जब भी मॉरल प्रीचिंग, इसलिए अक्सर लोग हम लोग बोलते भी है, जब ओरिएंटल थॉट भी पढ़ाते हैं तो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का विंग है, या हम लोग कहते हैं कि तुमको विवेकानंदाज इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, विवेकानंद ने क्या इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें कही, या हमारा वैदिक इकोनॉमिक्स क्या कहता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका एक जो मूल भाव है ये सेल्फ डिसिप्लिन और रिनाउंसिएशन, सामाजिक जरूरतों को काबू में रखना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, ये लेकिन इकोनॉमिक्स को डिसिप्लिन के तौर पे आगे बढ़ने से रोकता। तो उस समय भी ये समाज के तरफ से तो बहुत अच्छा था, मॉरल टीचिंग की बात हम लोग कर रहे थे, अच्छाई की बात कर रहे थे ये सब, लेकिन इकोनॉमिक्स को डेवलप करने से ये चीजें रोक रही थी, जिस वजह से हम लोग अभी कह रहे थे बहुत सारी बातों में डार्क पीरियड का एक रीजन ये भी है, क्योंकि हम लोग साइंस को इस डिसिप्लिन को डेवलप होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम लोग ऐसे टीचिंग कर रहे थे, अच्छा है समाज के लिए लेकिन हमारे सब्जेक्ट के लिए अच्छा है कि नहीं, ये हम लोगों के साथ चर्चा करना चाहिए। अब यहीं पर हम लोग इसको रोक रहे हैं अर्ली मीडियेवल को, क्योंकि यही वो चीज है जो लेटर मीडियेवल में बदलता है। सेकंड आ जाओ, लेटर मीडियेवल लेटर मीडियेवल पीरियड जो माना जाता है 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, लेटर मीडियेवल पीरियड, इसको बोलते हैं उत्तर मध्यकालीन आर्थिक विचार, उत्तर मध्यकालीन आर्थिक विचार, और ये समाज के लिए तो वैसे ज्यादा खराब समय था, लेकिन हमारे
हमारे लिए इकोनॉमिक्स के लिए ये बड़ा अच्छा समय था। लेटर इकोनॉमिक पीरियड, मीडियबल इकोनॉमिक पीरियड जो था उसकी अगर फीचर्स डिस्कस करें हम लोग, ये वो दौर था जब तुम यूरोप में देखते हो सामंतवाद का उदय, फ्यूडलिज्म है ना, फ्यूडलिज्म इवॉल्व, पूरी व्यवस्था जो बाद में चल करके इंडिया में जमींदारी में भी दिखा, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट, एक राजा उसके नीचे 50 करोड़, उसका अपना आदमी कहीं कहीं का जमींदार बन करके बैठ गया, तो फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो अपने साथ कितनी बुराइयां लेकर के आया आगे चल करके सब हम लोग देखते हैं। तो फ्यूडलिज्म ये वो दौर था जिस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डोमिनेंस ऑफ चर्च। इसलिए इस फेज में यूरोप में हम लोगों को दिखता है कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में वहां के बहुत सारे लोग गए और प्रोटेस्टेंट चर्च का उदय हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म एक पूरा अलग हुआ जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ हो गए और अपना एक चर्च एस्टैब्लिश करते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च इसके इसके मतलब रिजल्ट के तौर पर आया, डोमिनेंस ऑफ चर्च हुआ। और जैसे अभी हम कह रहे थे, जैसे ही तुम कहते हो फ्यूडलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, इनिशियल डेज में चर्च बहुत डोमिनेटिंग हो गया, बाद में प्रोटेस्टेंट मिशन आया, प्रोटेस्ट करता हुआ है प्रोटेस्टेंट मिशन, इन लोगों ने ये बात कहना शुरू किया, इसमें इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि राजा जो है उसको लैविश जिंदगी जीने का अधिकार है, राजा को या फ्यूडल सामंतवादी जो जमींदार है उनको बहुत एकदम राज के अंदाज में रहने का उनको पूरा एकदम हक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले तक जो हम बात कर रहे थे मॉरल टीचिंग, सेल्फ रिनाउंसिएशन, फिडेलिटी, हमको भी अगर हम राजा भी है या प्रजा भी है या साधु भी है या जो भी है मेरी इच्छाएं कम होनी चाहिए। अब ये कहानी खत्म, जैसे ये कहानी खत्म होता है मतलब हमारे डिमांड, लेजर, आराम, लग्जरी, विलासिता, इसके ऊपर अब हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे, है ना। तो डिमांड फॉर लग्जरी जो है वो इंक्रीज करना शुरू किया, डिमांड फॉर लग्जरी, विलासिता की मांग। अभी लॉकडाउन।